आज हम बनाएंगे गाजर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का अचार। और इस अचार को बनाने के लिए हमें बिल्कुल घंटों की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कई कई दिन तक इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 मिनट में इसको बनाकर आप तैयार कर लेंगे। जी हाँ, इंस्टेंट अचार बनाएंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये अचार बाजार के अचार से कहीं गुना बेटर बनकर तैयार होता है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका जो भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस बहुत ही टेस्टी और चटपटे अचार को बनाने के लिए हमें चाहिए गाजर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। और इन सारी चीज़ों को मैंने एक बार अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे सूखे कपड़े के साथ साफ करके थोड़ी देर पंखे के नीचे छोड़ दिया था, ताकि जो इसके अंदर की नमी है वो सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर इन सभी चीज़ों में नमी रहेगी तो भी हमारा अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 गाजर लिए हैं। उन गाजरों के आगे का और पीछे का पार्ट कट कर दिया था और उनको इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। और साथ में यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम हरी मिर्च। तो इस अचार के लिए हमें गाढ़े रंग की हरी मिर्च लेनी है। एक तो जो ये हरी मिर्च है थोड़ी सी तीखी होती है, जिससे ये अचार बहुत ही टेस्टी लगेगा। साथ में इनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इन मिर्च को मैंने इस तरीके से लंबा कट कर लिया है और इनका डंठल हटा दिया है, क्योंकि अचार में डंठल बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। और अब यहाँ मैंने लिया है एक अदरक का टुकड़ा, उसका मैंने छिलका उतार कर उसे इस तरीके से जूलियंस में कट कर लिया है। साथ में मैंने 17 से 18 लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो लहसुन की कलियों को मैंने यहाँ काटा नहीं है, आप चाहें तो इसे बारीक चॉप कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी ये तैयारी तो हो गई है। अब हम एक गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप सरसों का तेल और इसे हाई फ्लेम पर हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल में इस तरीके से धुआं उठना शुरू हो जाए तो गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो चलिए, जब तक सरसों का तेल ठंडा होता है, हम अचार के लिए बना लेंगे बहुत ही टेस्टी सा मसाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 छोटी चम्मच पीली वाली सरसों और 2 टेबल स्पून डालेंगे राई, ब्लैक वाली। मेरे पास जो ये राई है वो थोड़ी छोटी दाने वाली है। अगर आपके पास बड़े दानों वाली राई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पीली सरसों आप हटाना चाहें तो उसको भी हटा सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें हम जीरा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है जीरा को। और साथ में 2 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे सौंफ। सौंफ से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अचार में, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। साथ में ही हम 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है, हमारे पेट के लिए बहुत बढ़िया होती है, तो इसे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ में ही 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। तो मेथी दाना ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता है ये हल्का सा कड़वा होता है। 1/2 टीस्पून इसमें हम हींग डालेंगे। तो बस, अब ये जो मसाले हैं इनको हम बिल्कुल धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं सेकना है, बस हमें इतना सेकना है कि जो इसके अंदर का ऑयल है वो हल्का सा रिलीज हो जाए और इसके अंदर थोड़ी बहुत अगर नमी भी है तो वो अच्छे से सूख जाए। तो मसालों में से अच्छे से खुशबू आनी शुरू हो गई है, बस इससे ज़्यादा इसको सेकने की ज़रूरत नहीं है। गैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाए उसके बाद इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि अचार वगैरह में हल्का दरदरा मसाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप चाहें तो इसे ओखली वगैरह में कूट भी सकते हैं। तो अब इस मसाले के अंदर जाएगी 1 छोटी चम्मच कलौंजी। हम अचार में हमेशा कलौंजी वगैरह ज़रूर डलती है, एक तो इससे जो इसकी शेल्फ लाइफ है अचार की वो बढ़ जाती है, साथ में अचार और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और साथ में ही डालेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इन लाल मिर्च में तीखापन नहीं होता है, बस इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा, जिससे हमारा अचार देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। वैसे अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे अचार का मसाला तो बिल्कुल तैयार है और दूसरी तरफ जो हमने तेल ठंडा होने के लिए रखा था वो ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। तो अब वापस से हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और जो हमने गाजर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन काट के रखे हुए हैं सारे इसके अंदर डालेंगे और इसे धीमी आँच पर हम 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है। इस तरीके से जब हम अचार बनाते हैं तो अचार को हमें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये इंस्टेंट अचार हमारा बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही बढ़िया अचार बनता है इस तरीके से भी। तो इसे अच्छे से जब हम तेल के साथ मिक्स कर लें उसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 छोटी चम्मच मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। साथ में 2 छोटी चम्मच डालेंगे नमक। अच्छा फ्रेंड्स, नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में जब मैंने इस अचार को चेक किया था तो मैंने 1 छोटी चम्मच और इसके अंदर नमक डाला था।
अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका। विनेगर डालने से जो ये अचार है इसे हम लंबे समय टाइम तक स्टोर कर पाएंगे, साथ में ही अचार का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो हमारी सब्जियों पे अच्छे से कोट हो जाएं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही स्पाइसी चटपटा सा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब इस अचार को ठंडा होने के बाद जब हम जार के अंदर डालेंगे तो जो जार हमें यूज़ करना है उसको पहले हमें अच्छे से धोना है। धोने के बाद उसे किसी भी साफ़ कपड़े के साथ साफ़ कर लेना है ताकि उसके अंदर पानी वगैरह ना हो। अगर हल्की सी भी नमी जार के अंदर होगी तो अचार में बहुत जल्दी फंगस लगने का डर रहेगा। तो जार में डालने के बाद इसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे क्योंकि सरसों के तेल से अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और इसके अंदर हमें तेल इतना डालना है कि जो हमारा अचार है वो पूरी तरीके से डूब जाए, अच्छे से कवर हो जाए। इससे जो अचार है वो उसमें फंगस नहीं लगेगा और हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ही स्पाइसी और बहुत टेस्टी अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। इस अचार को आप किसी भी सब्जी के साथ, दाल के साथ, चावल के साथ या फिर रोटी पूरी नान पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। सभी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद रखती हूँ आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक